एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 समकालीन विश्व में सुरक्षा के बारे में। नोट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली इस पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस वीडियो में आखिर डिस्कस क्या करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुरक्षा क्या है, फिर सुरक्षा की धारणाओं के बारे में जानेंगे जैसे कि पारंपरिक सुरक्षा, अपारंपरिक सुरक्षा, फिर इनसे बचा कैसे जाए यानी खतरों से बचा कैसे जाए। तो इसमें हम तीनों पे बात करेंगे, बाहरी खतरे, आंतरिक खतरे, अपारंपरिक खतरों से कैसे बचा जाए। फिर भारत की सुरक्षा नीति के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद के मुद्दे क्या हैं, कैसे इससे निपटा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सुरक्षा क्या है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो आखिर सुरक्षा है क्या? देखिए, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आज़ादी, यानी खतरों से आज़ाद रहना। पर हम क्या कह सकते हैं कि इन खतरों से आज़ाद रहना? तो देखिए, अगर हम देखें तो हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रहना क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि इंसान क्या है, हर समय किसी ना किसी खतरे के दायरे में होता ही है। जैसे मान लीजिए, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का खतरा हो सकता है, सब्जी काटते समय हाथ कटने का खतरा हो सकता है, इसी के साथ साथ खेलते समय गिरने और चोट लगने का खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से मैं खतरों से बिल्कुल तो सुरक्षित रह नहीं सकता। तो फिर किन खतरों से सुरक्षित रहा जाए, किन चीज़ों से सुरक्षित रहा जाए? तो देखिए, अगर इन सब खतरों से बचने की हम कोशिश करने लगेंगे ना, तो कभी भी हम सामान्य रूप से ज़िंदगी नहीं जी सकते, यानी हर तरीके के खतरे से तो हम नहीं बच सकते। तो किन से बचा जाए? तो देखिए, सिर्फ उन्हीं खतरों को एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है जिनसे उस व्यक्ति के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुँचे। केंद्रीय मूल्य यानी जैसे उसका जीवन या उसकी स्वतंत्रता। तो कोई भी ऐसा खतरा जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता को खतरा पहुंचे या इसी तरीके के केंद्रीय मूल्यों को नुकसान पहुंचे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, उसको सुरक्षा के दायरे में रखते हैं और उसी से सुरक्षा हम करते हैं। उसके अलावा किसी भी विषय की बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम हर खतरे से बचने लगेंगे तो हम सामान्य ज़िंदगी कभी जी ही नहीं सकेंगे। सुरक्षा की धारणाएँ क्या क्या हैं अगर हम इस बारे में बात करें? तो देखिए, सुरक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है पारंपरिक सुरक्षा, दूसरा अपारंपरिक सुरक्षा। फिर हम पारंपरिक सुरक्षा को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला होता है बाहरी और दूसरा आंतरिक। अगर मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊं तो आप एक ग्राफ देखिए। देखिए, सुरक्षा है, इसके दो पार्ट हैं, पहला कौन सा है, पारंपरिक, और दूसरा अपारंपरिक। और पारंपरिक सुरक्षा के दो पार्ट हैं कौन कौन से, पहला बाहरी सुरक्षा और दूसरा आंतरिक सुरक्षा। तो इस तरीके से इसे बांटा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं पारंपरिक सुरक्षा के बारे में। एक बार मैं आपको पीछे ही अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि पारंपरिक सुरक्षा संबंधित होती है देश से, यानी जो भी खतरा किसके लिए होगा, देश के लिए होगा, वो किस में आएगा, पारंपरिक सुरक्षा के अंदर। और जो खतरा किसी व्यक्ति के लिए होगा यानी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, वो किसके अंदर आएगा, अपारंपरिक धारणा में। यानी अगर हम किसी ऐसे खतरे की बात करें जो कि देश के लिए खतरा है, जैसे युद्ध हो जाना, ठीक है, या गृह युद्ध हो जाना, या देश के अंदर ही कोई समस्या हो जाना, तो वो सब क्या है, वो पारंपरिक धारणा के अंदर आएंगे। जबकि अपारंपरिक खतरे कौन से हैं जो कि पूरी मानव जाति के लिए नुकसानदायक है। जैसे अब मैं बात करूँ आतंकवाद के बारे में, प्रदूषण के बारे में, तो ये सबके लिए खतरनाक है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए या भारत के लिए खतरनाक है, तो सबके लिए खतरनाक है। तो इसीलिए जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है वो अपारंपरिक, और जो सिर्फ देश के लिए, किसी पर्टिकुलर देश के लिए खतरा है वो क्या है, पारंपरिक। तो देखो, देश को कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है? देश को एक खतरा होगा बाहर से और एक किससे, अंदर से। यानी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इंडिया के ऊपर कोई देश बाहर से हमला कर दे तो वो बाहरी सुरक्षा के मुद्दे हो गए, और अगर अंदर से ही गृह युद्ध होने लगे, अंदर से ही लोग आपस में लड़ने लगे, तो वो क्या हो गए, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा क्या होती है। तो पारंपरिक सुरक्षा के अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश के लिए खतरनाक होते हैं। यहाँ पर आपको ये देश मैटर करता है, यानी जो देश के लिए खतरनाक होंगे वो क्या होंगे, पारंपरिक सुरक्षा से संबंधित होंगे। यानी ऐसे कोई भी खतरे जिससे क्या हो, देश को नुकसान पहुंचे, तो वो क्या हो गए, पारंपरिक सुरक्षा से संबंधित हो गए। तो देखिए, पारंपरिक सुरक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी है, बाहरी सुरक्षा, दूसरी कौन सी, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है भाई, तो एक बाहर से और एक अंदर से। तो ऐसे सभी खतरे जो एक देश को उसकी सीमा के बाहर से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाहरी सुरक्षा के दायरे में रखते हैं। इसमें सबसे बड़ा खतरा आसपास के देशों से होता है जो युद्ध करके उस देश की सुरक्षा को क्या कर सकते हैं, प्रभावित। यानी बाहर से तो एक ही खतरा हुआ ना कि कोई देश हमारे पे क्या कर दे, आक्रमण कर दे, यानी हम युद्ध के अंदर फंस जाएं, तो वो बाहरी सुरक्षा हो गया। आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? देखिए, आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश को उसकी सीमा के अंदर से होते हैं, यानी उस देश के अंदर से ही उसको खतरे होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से होते हैं। इसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे शामिल हो सकते हैं, गृह युद्ध, या फिर इसी तरीके के कुछ खतरे शामिल हो सकते हैं जो कि उस देश के अंदर से ही है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कौन से, देखिए मैंने आपको दो बताई ना, एक पारंपरिक, उसके दो पार्ट हो गए कौन कौन से, बाहरी और आंतरिक। अब दूसरी कौन सी है, अपारंपरिक। तो देखिए अपारंपरिक में क्या है कि इसके अंदर उन खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, ठीक है, और इनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पारंपरिक कौन से देश के लिए और अपारंपरिक कौन से पूरी मानव जाति के लिए। तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं ऐसे, देखिए जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, निर्धनता हो गई, महामारियां जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, आतंकवाद हो गया, शरणार्थियों की समस्या हो गई या बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब क्या है, ये सब ऐसे खतरे हैं जो किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका, चीन या फिर भारत तक ही सीमित है, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया कि खतरे क्या क्या होते हैं, अब हमें देखना है कि खतरों से बचा कैसे जाए। तो देखिए खतरों से बचाव कैसे होगा, तो अब आपको इसे गौर से देखना है। देखिए सबसे पहले क्या, पारंपरिक धारणा यानी देश के लिए खतरे, तो पारंपरिक के अंदर दो थी ना, एक कौन सी, बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। तो हम इन दोनों से देखेंगे कैसे बचें और साथ ही साथ देखेंगे कि अपारंपरिक धारणा में भी हम खतरों से कैसे बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बाहरी सुरक्षा का मतलब है कि बाहर से किसी देश ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो यह है कि हम युद्ध होने ही ना दें, ठीक है। अब मान लो अगर युद्ध हो जाता है तो उस समय हमारे पास दो ऑप्शन है। देखिए जब भी युद्ध होता है तो एक देश के सामने तीन विकल्प होते हैं, या तो वो क्या करे, पहले तो युद्ध होने ही ना दे, फिर भी अगर युद्ध हो जाए तो या तो वो युद्ध लड़े या फिर हार मान के बैठ जाए, यही तीन रास्ते हैं ना। तो देखिए किस तरीके से हम बच सकते हैं, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि युद्ध हो ही ना, तो युद्ध ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे अपनी, यानी अपनी सेना को मजबूत बनाएंगे, साथ ही साथ शक्ति संतुलन स्थापित करेंगे। शक्ति संतुलन स्थापित करने का मतलब क्या है कि अपने दुश्मन देश के बराबर की शक्ति रखेंगे ताकि वो कभी हम पर हमला ना करे, क्योंकि हमेशा व्यक्ति उसी पर हमला करता है ना जो उससे कमज़ोर होता है, तो अगर हम बराबर रहेंगे तो वो हम पर कभी हमला नहीं करेगा। इसी के साथ साथ क्या करें, गठबंधन बना लें। गठबंधन बनाने का मतलब है कि हम उस देश के साथ गठबंधन बना लें कि भाई ना तुम हम पे हमला करो ना हम तुम पे हमला करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट होता है निशस्त्रीकरण द्वारा, निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्रों को कम करना। आप देखिए क्या हो सकता है कि मान लीजिए बहुत सारे शस्त्र वगैरह हमने बना लिए, तो उस स्थिति में उन शस्त्रों को कम कर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसको, युद्ध को। साथ ही साथ अस्त्र नियंत्रण द्वारा, अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि या तो नए बनाओ ही मत, ठीक है, और अगर बनाओ तो कम अमाउंट में बनाओ, यानी कम हथियार बनाओ, तो ऐसे में भी युद्ध को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आंतरिक सुरक्षा से कैसे निपटे, देखिए आंतरिक सुरक्षा कब होगी, जब देश के अंदर या तो भेदभाव हो या राजनीतिक व्यवस्था अच्छी ना हो, तभी तो लोग गुस्सा होकर आपस में लड़ेंगे ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो समान विकास हो देश के अंदर, जिससे कि क्या होगा कि सब लोग खुश रहेंगे। दूसरा निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भेदभाव हो रहा हो, तो अगर निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था होगी तो भी लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ भेदभाव की समाप्ति की जानी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको क्या मिलने चाहिए, समान अधिकार। तो इस तरीके से आप आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में हमारे पास क्या, अपारंपरिक धारणा, जिससे हम कैसे बचते हैं, संयोग मूलक सुरक्षा द्वारा। मतलब क्या है इसका, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपारंपरिक सुरक्षा के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, यानी उनका समाधान कोई एक देश तो कर नहीं सकता। अब क्योंकि कोई एक देश कर ही नहीं सकता तो सब देशों को साथ में करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रदूषण के बारे में बात करें, तो अब जो प्रदूषण है उसका समाधान भारत अकेले तो कर नहीं सकता, और ना ही चीन अकेले कर सकता है, और ना ही कोई भी विश्व का ऐसा देश है जो कि अकेले समस्या का समाधान कर ले। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, सभी देशों को साथ आना पड़ेगा और सहयोग स्थापित करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं क्या, संयोग मूलक सुरक्षा, ठीक है। तो आप पारंपरिक खतरों से कैसे बचेंगे, संयोग मूलक सुरक्षा के द्वारा, यानी जब बहुत सारे देश एक साथ आ जाएं और फिर क्या करें, उस खतरे से निपटने की कोशिश करें। तो चलिए अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, गठबंधन की नीति अपनाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठबंधन बनाने युद्ध रोकने का क्या एक अच्छा तरीका है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि जिन भी देशों को ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए खतरा बन सकते हैं, वे आपस में गठबंधन बना लेते हैं और विश्वास कायम करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दूसरा आपको कौन सा बताया था, निशस्त्रीकरण। देखिए निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना, यानी जो हथियार हमने बना लिए उन्हें कम करना। तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को ख़त्म करने का फैसला लिया जाता है जो भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान बहुत सारे हथियार बना ले तो वो उन दोनों के लिए खतरनाक है ना। तो ऐसे में वो दोनों क्या करेंगे, एक संधि करेंगे निशस्त्रीकरण की और उन हथियारों को कम करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है अस्त्र नियंत्रण के द्वारा। तो अस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है ऐसे खतरनाक हथियारों को बनाना कम करना या उन पर पूरी तरीके से रोक लगा देना जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए परमाणु हथियार, यानी परमाणु हथियार वगैरह के उत्पादन को क्या करना, पूरी तरीके से रोक देना।
आगे देखते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है कि हमने पढ़ लिया कि बाहरी खतरों से कैसे बचा जाए, अब हमें देखना है कि आंतरिक खतरों से कैसे बचा जाए। तो इस बारे में हम बात करें तो पहले हम ये देखते हैं कि आंतरिक खतरे हो कौन कौन से सकते हैं, यानी ऐसे खतरे जो देश को अंदर से नुकसान पहुंचाए। देखिए, जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा हो गई, किसी संप्रदाय या धर्म विशेष की वजह से लोग आपस में लड़ने लगे, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे वगैरह होते हैं कई बार, तो वो सांप्रदायिक हिंसा है। इसके अलावा अलगाववाद हो गया, अलगाववाद उसी स्थिति को बोलते हैं जब कोई व्यक्ति अलग से क्षेत्र चाहता है, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति है कि वो जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, या स्थिति थी, अब तो नहीं है खैर, ठीक है। नक्सलवाद हो गया, नक्सलवाद के बारे में मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, आतंकवाद वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये वो लोग हैं जो गरीबों का हित चाहते हैं और ये जमींदारों को मारते हैं या फिर अमीर लोगों के बेसिकली खिलाफ होते हैं। इसी के साथ साथ जातीय हिंसा हो गई, जाति के आधार पर हिंसा करना, साथ ही साथ राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक जो सरकार है या उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव किया जा रहा है लोगों के साथ, तब भी लोग क्या हो जाते हैं, आतंकवाद की ओर या फिर कुछ इस तरीके की स्थिति में आ जाते हैं जिससे कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है। अगर हम देखें तो हिंसा की घटनाएं भी ऐसी स्थिति है, ठीक है। उपाय क्या है, सुलझाया कैसे जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब निष्पक्ष राजनीतिक व्यवस्था होगी तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और मुजरिमों को सज़ा भी मिलेगी, जिस वजह से लोगों का कानून में विश्वास बढ़ेगा और स्थिति सुधरेगी। समान विकास होगा तो कभी किसी को कोई समस्या नहीं होगी, भेदभाव की नहीं होगी, लोग विकास पर ध्यान देंगे ना कि और चीज़ों पर। भेदभाव की समाप्ति की जानी चाहिए, यानी भेदभाव खत्म किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, सबको समान अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति में हीन भावना ना आए। आगे अगर हम देखें तो अपारंपरिक खतरों से कैसे बचा जाए, देखिए मैंने आपको समझाया था कैसे, संयोगमूलक सुरक्षा के द्वारा। एक बार जरा हम देखते हैं, देखिए जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि खतरे अपारंपरिक सुरक्षा के अंदर आते हैं, उनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता, यानी वह खतरे जो अपारंपरिक सुरक्षा के अंदर है उनका समाधान कोई देश अकेले नहीं कर सकता। अब इसी वजह से विश्व में क्या है, संयोगमूलक सुरक्षा की विचारधारा पैदा हुई ताकि सब संयोग करें और इन खतरों से निपटा जा सके। तो संयोगमूलक सुरक्षा होती क्या है, देखिए विश्व में ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जिनका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता, इन्हीं खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। खतरों से लड़ने के इसी तरीके को क्या कहते हैं, संयोगमूलक सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। यानी जब देश के सब विश्व के सभी देश एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, किसी खतरे से लड़ते हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्या, संयोगमूलक सुरक्षा। दूसरे शब्दों में जब विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर खतरों से लड़ने का प्रयास करें तो वही संयोगमूलक सुरक्षा। बात करनी है भारत की सुरक्षा नीतियों के बारे में, यानी आखिर भारत ने अपनी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला काम जो भारत ने किया वो था सैन्य क्षमता को मजबूत करना। अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से ही भारत और उसके आसपास के देशों के बीच की जो रिश्ते हैं उनमें क्या रही है, समस्याएँ रही हैं। इसी वजह से भारत ने शुरू से ही अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की क्या की है, कोशिश की है, और इसी वजह से भारत ने अपना परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया था जो असफल रहा, पर इसके कुछ सालों बाद 98 में उसी जगह इसने दूसरा परीक्षण किया जो कि सफल रहा और भारत क्या, परमाणु संपन्न देश बन गया, उसकी सैन्य क्षमता बढ़ी और कहीं ना कहीं उसके आसपास के देशों का मनोबल टूट गया जो कि भारत को दबाना चाहते थे। नेक्स्ट क्या है कि अंदरूनी समस्याओं से निपटने के लिए, देखिए भारत के अंदर काफ़ी सारी अंदरूनी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी हो गई, अलगाववाद हो गया, नक्सलवाद, असमान विकास, भ्रष्टाचार, तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए भी भारत को क्या है, तैयार रहना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक विकास करना, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास से ही क्षेत्र में क्या रह सकती है, शांति रह सकती है। तो अगर हम देखें तो आर्थिक और सामाजिक विकास हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई जब देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता तो इसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस वजह से उसके गुलाम बनने का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए अब भारत गरीब हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसे किसी और देश, अमेरिका या किसी बड़े देश पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि भारत का गुलाम बनने का खतरा फिर से एक बार क्या होगा, पैदा हो जाएगा। तो इसी वजह से सामाजिक और आर्थिक विकास करना भी क्या है, सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा भारत ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की कोशिश की, यानी आज़ादी के बाद से ही भारत विश्व में शांति स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए भारत ने क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले गुटनिरपेक्षता अपनाई ताकि शीत युद्ध और ज़्यादा ना बढ़े, इसी के साथ साथ उसने एशियाई एकता पर बल दिया, यानी एशिया के सभी देशों को साथ लाने की कोशिश की, और साथ ही साथ औपनिवेशीकरण का विरोध किया। औपनिवेशीकरण का मतलब होता है जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, तो उसका भारत ने क्या किया, खुला खुला विरोध किया। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली आखिर आतंकवाद है क्या। तो देखिए आतंकवाद उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी अनुचित मांगों को पूरा कराने के लिए हिंसा का सहारा लेने लगे, यानी जब कोई व्यक्ति या कोई समूह अपनी अनुचित मांगे, यानी जो उनकी गलत मांगे हो, ऐसी मांगे जो कि सही नहीं है, उनको पूरा कराने के लिए क्या करें, हिंसा का सहारा लेने लगे, यानी लोगों को मारने लगे, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, आतंकवाद। तो ये बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है, यानी आतंकवाद वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अनुचित मांगों को पूरा कराने के लिए हिंसा का सहारा
लेने लगता है। अगर हम बात करें आतंकवाद और विश्व के बारे में, तो देखिए जैसा हमें पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था, जिसके अंदर हम अफगानिस्तान संकट के बारे में पढ़ रहे थे, कि अफगानिस्तान संकट के दौरान अमेरिका द्वारा तालिबान और अलकायदा को पोषित किया गया था, यानी अलकायदा और तालिबान वहीं से ही शुरू हुए थे, ठीक है, जिन्होंने इसके बाद जाकर क्या किया कि अमेरिका पर ही कई हमले किए, जैसे कि 9/11। देखिए ये दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है तो एक बार उसे ज़रूर देखिए, टॉपिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तालिबान और अलकायदा को किसके द्वारा पोषित किया गया? अमेरिका द्वारा, और अंत में जाकर उन्होंने किस पर हमला किया? अमेरिका पर ही। तो इस तरीके से आतंकवाद जो है किसी का सगा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ने उन्हें पोषित किया तो आगे जाकर वो अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे, इनकी सोच गलत होती है और ये अपनी मांगे पूरी कराने के लिए किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या हो रहा है कि विश्व के कई देशों में धर्म और जिहाद के नाम पर, देखिए धर्म के नाम का मतलब है कि किसी धर्म को बचाने के लिए, और जिहाद, जिहाद शब्द का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म की रक्षा करने के लिए जो युद्ध किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जिहाद। तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर धर्म या जिहाद के नाम पर क्या किया जा रहा है? आतंकवादियों को पोषित किया जा रहा है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि लोगों को भड़काया जा रहा है किसके नाम पर? धर्म या जिहाद, जिहाद यानी धर्म युद्ध के नाम पर, कि आप धर्म के लिए लड़ेंगे, ये धर्म की लड़ाई है, तो इसके नाम पर क्या किया जा रहा है? आतंकवादियों को भड़काया जा रहा है, उन्हें बनाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं आतंकवादी संगठनों के बारे में। तो आतंकवादी संगठन होते क्या है कि देखिए एक समान विचारधारा वाले आतंकवादियों के गुट को क्या कहा जाता है? आतंकवादी संगठन कहा जाता है, यानी जब एक ही समान विचारधारा वाले आतंकवादी सब एक साथ रहने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? हम आतंकवादी संगठन कहते हैं। विश्व के अंदर जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है देखिए वो कौन कौन से, जैसे कि ISIS, इसके अलावा तालिबान, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब क्या है? ये बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो फिलहाल के अंदर विश्व में क्या है? सक्रिय हैं। अगर आगे हम देखें भारत और आतंकवाद के बारे में बात करें, तो देखिए भारत के अंदर आतंकवाद का स्वरूप कैसा है? तो सबसे पहला टाइप है कौन सा? धार्मिक आतंकवाद, यानी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित है वो कौन सा है? धार्मिक आतंकवाद, यानी धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाना, जैसे कि पंजाब और कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर मुस्लिम धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है, इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम बात करें पृथकतावादी आतंकवाद के बारे में, तो देखिए जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग की गई थी, कि पंजाब के लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने मांग की थी 1980 के दौर में कि हमारे को एक अलग से राज्य चाहिए, किस नाम से? खालिस्तान, और इवन राज्य नहीं बल्कि देश चाहिए, किस नाम से? खालिस्तान के नाम से, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे जम्मू कश्मीर में मांग की जाती है कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए, उसे अलग से क्या किया जाए? एक देश बनाया जाए, तो इन्हीं सब स्थितियों को बोला जाता है क्या? पृथकवादी आतंकवाद, जिसके अंदर किसी क्षेत्र को अलग करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है विदेशी आतंकवाद। विदेशी आतंकवाद वो आतंकवाद होता है जिसे किसी दूसरे देश द्वारा क्या किया जाता है? भड़काया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो आतंकवाद चल रहा है, जिसे पाकिस्तान द्वारा क्या किया जाता है? समर्थन दिया जाता है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्षेत्रीय आतंकवाद के बारे में, तो जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, जैसे कि भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के अंदर नक्सलवाद फैला हुआ है। नक्सलवाद क्या होता है? देखिए नक्सलवादी वह लोग होते हैं जो किसकी मदद करते हैं? गरीब और आदिवासियों की, ठीक है। यानी ये क्या करते हैं? ये गरीब और आदिवासियों के हित में होते हैं और साथ ही साथ ज़मींदारों के विरोध में होते हैं, यानी जो अमीर तबका होता है उसके क्या होते हैं? विरोध में होते हैं। तो ये उनकी मदद करने के लिए, गरीब और आदिवासियों की मदद करने के लिए ज़मींदारों को मारते हैं, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? नक्सलवादी होते हैं। तो ये नक्सलवाद इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इसी के अलावा ये कंप्लीट वीडियो थी, और बाकी चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। हमेशा की तरह नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।